नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना से जूझ रहे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। इसमें से 5 से 6 लाख करोड़ का पैकेज पहले ही घोषित हो चुका है। आरबीआई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषित किया था। उम्मीद है कि 13 से 14 लाख करोड़ का और पैकेज आएगा। उसमें उद्योग धंधे एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कुछ होगा। जब भी ऐसा पैकेज आता है या जब भी सरकार कोई घोषणा करती है तो आम आदमी के जेहन में एक ही सवाल उठता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, मुझे क्या मिला। जैसे कि मिडिल क्लास है, लेबर क्लास है, जो उद्योगपति हैं, उद्योग धंधे वाले हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए क्या है। थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक घोषणाएँ हुई है उसमें जो किसान हैं, मजदूर हैं, जनधन खाते वाले हैं, उनके लिए दिया गया था उस पैकेज में जो 2.25 लाख करोड़ का निर्मला सीतारमण ने घोषित किया था। तो इसमें किसके लिए क्या है, इसका ब्यौरा आना बाकी है। निर्मला सीतारमण आज घोषित करेंगी, आज से लेकर के आगे, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, एक एक करके घोषित करती चली जाएंगी। लेकिन एक बात हम सब लोगों को सोचना होगा कि कोई भी सरकार हो, दुनिया के किसी भी देश की कोई भी सरकार हो, पैसा कहाँ से आता है और कैसे 20 लाख करोड़ का भी इन्होंने पैकेज दे दिया, पहले क्यों नहीं दे दिया या सामान्य दिनों में क्यों नहीं दे सकते। जब आम आदमी के पास रोजगार नहीं है तो पैसे के सोर्स और इसके होने वाले प्रभाव को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पैकेज घोषित किया है 20 लाख करोड़ का, ये GDP यानी कि आपके देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 200 लाख करोड़ का है, उसका 10% किया है। यदि दुनिया से इसकी तुलना करेंगे तो ये 5वां बड़ा आर्थिक पैकेज है। सबसे बड़ा पैकेज जापान ने दिया है, उसका 21.5% का पैकेज है GDP का। उसके बाद अमेरिका ने दिया है 13% के आसपास। उसके बाद जो है स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है और जर्मनी है, जिन्होंने 12 से 10% के बीच में दिया है। भारत का 5वां बड़ा पैकेज माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपया है ये आएगा कहाँ से, क्योंकि अभी तो सरकार कह रही थी कि खजाने में पैसे नहीं है, कर्मचारियों की DA की कटौती हुई, सांसदों और मंत्रियों के वेतन भत्ते की कटौती हुई और भी बहुत कुछ कटौती की बातें चल रही है। तो यदि सरकार के पास पैसा होता तो ये कटौती क्यों होती, तो आएगा कहाँ से। तो इसके दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि सरकार नोट छाप ले, क्योंकि सरकार के पास छापखाना है, सरकार के पास अधिकार है और सरकार के पास कागज है। लेकिन जानते हैं सरकार मनमाने तरीके से नोट नहीं छाप सकती, वो नियम कानूनों से बंधी हुई है। उसमें आनुपातिक रूप से गोल्ड रखना पड़ता है, सोना। और जब भी आप इस नियम कानून का उल्लंघन करके नोट छापेंगे तो क्या होगा कि बोरा भर नोट ले जाएंगे और झोला भर सामान ले आएंगे, यानी कि रुपए की जो कीमत है वो गिर जाएगी, आम मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगी। मुद्रा स्फीति इसी को बोलते हैं। फिर और क्या उपाय है, तो दूसरा उपाय ये है कि सरकार जो है चाहे इंटरनेशनल मार्केट से, और मार्केट से मतलब जो संस्थाएं हैं, और चाहे बैंक है चाहे संस्थाएं हैं, या जो देश में संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, वहां से लोन ले, कर्जा ले, जैसे कि हम और आप लेते हैं। तो जैसे हम और आप कर्ज लेते हैं तो उस पर ब्याज चुकाते हैं, ठीक इसी तरीके से सरकार भी जब कर्ज लेती है चाहे जहां से भी ले तो उसको मूलधन के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ता है। तो जब ब्याज देगी सरकार तो 20 लाख करोड़ रुपया जुटा करके यदि वो कर्ज लेती है तो इसका मोटा ब्याज बैठेगा। अपने देश का बजट लगभग 30 लाख करोड़ का है, तो उसमें से एक मोटी रकम चली जाएगी ब्याज पे। फिर सामाजिक योजनाएं जो गरीबों को दिया, किसानों को दिया, इनको दिया, उनको दिया, जो सरकार बजट में घोषित करती रहती है उसको भूल जाइएगा, रक्षा की तैयारियों को भूल जाइएगा, फिर एजुकेशन और हेल्थ पे जो पैसा लगाने की बात है उसको भूल जाइएगा, क्योंकि मोटा पैसा तो उधर चला जाएगा, कहाँ, कर्ज और मूलधन के चुकाने में। तो तीसरा सवाल ये उभरता है कि फिर ऐसी संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार पर बहुत बड़ा दबाव था। तो जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो यही मानते हैं, चाहे रघुराम राजन हो, चाहे अभी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है बनर्जी, वो हूँ अभिजीत बनर्जी, सबकी यही राय थी कि संकट की घड़ी में सरकारों का काम होता है सबसे पहले लोगों की जान बचाना और जो उद्योग धंधे व्यवसाय नौकरी है उसको बचाना, क्योंकि एक न एक दिन तो अर्थव्यवस्था पटरी पे आई जाएगी। जिस दिन पटरी पे आएगी उसके बाद धीरे धीरे वो कर्ज भी उतरेगा। लिहाजा सरकार ने सही दिशा में सही कदम उठाया है, बट ये जाना है अल्टीमेटली हमारे और आपके जेब से ही, क्योंकि सरकार के पास अपने आय का कोई स्रोत नहीं होता है, जो जनता से टैक्स लिया जाता है उसी से वो उसकी भरपाई करती है। तो आगे के लिए चैलेंजेज और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं।
तो ये उसका पूरा क्रक्स है पैकेज का, कि बेशक हम पैकेज की मांग कर रहे हैं या मांग कर रहे होते हैं, बट उसमें बहुत सारे इफ एंड बट भी होते हैं कि कहाँ से आएगा, कैसे इसकी भरपाई होगी, फिर इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये उसका असर पड़ने वाला है, हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे निर्मला सीतारमण घोषित करेंगी पैकेज को, वैसे ही हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।